क्यों इस्तीफा देने की बात आ गया बताइए। 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी थी 10 नंबर में, पार्टी के द्वारा हमें ड्यूटी मिली थी कि 3 नंबर पंडाल रामराज जी आपको देखना है, और उस पंडाल के देख रेख में हम 10 नंबर पहुँचे। 3 बजे पहुंचने के बाद जब मैं अंदर गया अपने महानगर के पदाधिकारी को अपने ड्यूटी में लगा रहा था, उसी समय तेज प्रताप जी हमें बुलाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद जो उन्होंने किया वो जब मैं बताता हूं तो मेरा रोमा खड़ा हो जाता, मैं डर जाता हूं। उस दिन का जो स्थिति था, जो भयावह स्थिति था, उसका मैं अभी भी याद कर रहा हूँ, तब मेरा अंदर डर है। और मुझे धमकी दिया गया कि तुम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी तेजस्वी यादव का पार्टी छोड़ दो, नहीं तो तुमको 10 दिन के अंदर गोली मरवा देंगे, मर्डर तुम्हारी हो जाएगा। और एक खास क्रिमिनल, एक खास व्यक्ति का नाम लेकर बोला गया कि मैं उससे गोली मरवाऊंगा। मैंने कहा 10 मिनट के अंदर हमको गोली मार दीजिए, 10 दिन का समय मत लीजिए। उसके बाद गर्दन पकड़ के हमें रूम में बंद करके 10 सर्कुलर रोड पर हमें मारा गया है, पीटा गया है। नेता तेजस्वी यादव जी के बारे में अशब्द का प्रयोग किया गया है, तेज प्रताप जी ने मारा, जगदा बाबू के बारे में अव्यवहार शब्द का उपयोग किया, शब्द का उपयोग किया गया है। हमारे बहुत से ऐसे नेता, लालू जी के बारे में गलत बोले, उन्होंने बोला है बहुत गलत बात बोला है, जो कि मैं कैमरा पे नहीं बता सकता हूं आपको। उसके बाद मैंने उनसे विनती किया कि भैया हमारी गलती क्या, गलतियाँ बताइए। उन्होंने एक भी गलती नहीं बताया, सिर्फ एक ही गलती बोला कि तुम्हारा एक ही गलती है कि तुम राष्ट्रीय जनता दल में रह के राजनीति नहीं कर सकते हो, तुम इस्तीफा दे दो, नहीं इस्तीफा देगा तुमको हम गोली मरवा देंगे। हमने इसकी जानकारी इस नेतृत्व को पहुंचाई, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्षकारी सुहेब साहब को दिया, मैंने अपने राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू को भी इसको इन्फॉर्मेशन करने का काम किया गया। मारी आज 3 दिन हो गया, इस पर इन्होंने किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पदाधिकारी ने, किसी शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। आज इस्तीफा देने, चूँकि हमारी बात हुई थी, बोले थे कि रुक जाइए आप लोग, शांति बनाइए, सब ठीक हो जाएगा, मगर 3 दिन बर्दाश्त किए, कोई ठीक नहीं हुआ, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिस व्यक्ति ने हम पे हाथ छोड़ा है, जिस व्यक्ति ने मेरी माँ बहन को गाली दिया है, इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान गिरा कि रामराज राजनीति नहीं करेगा। आप A to Z की बात करते हैं, XYZ की बात करते हैं, मैं यादव के बेटा हूँ, भाई को क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हैं, भाई को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या हमने लालू यादव जी के पार्टी से मैंने कभी दलाली किया है? कोई हम पे आरोप है या कोई हम गलत किए हैं? अगर हम गलत नहीं किए तो हमें क्यों पीटा गया, हमें क्यों माँ बहन को गाली दिया गया? 18 मिनट के अंदर 500 गाली क्यों दिया गया? क्यों पटना जिला के जादवों को टारगेट किया जाता है? क्यों हमसे कोई गलती हुई थी पार्टी के लिए? मैंने लालू जी के पार्टी के इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।